तो देखो ये मैंने आपको भेजी थी, फाइल भेजी थी, 10 मिनट में बता दूं इसको कैसे पढ़ना। आपको इसके 42 पेज आपको पढ़ने थे, आप हो सकता है पूरे पढ़ रहे हो, लेकिन मैंने लिख के भेजा था 42 पेज पढ़ने हैं, लिख के भेजा था 1 to 42 पेज। इस फाइल के ऊपर भी लिखा हुआ है, शायद भेजा है देखो। और उसके बाद नेक्स्ट जो Part 2 लिखा था वो Part 2 42 पेज के बाद, या इसमें 42 पेज ही पढ़ने थे, तो 190 मेंबर कंट्रीज हैं, ऐसे पढ़ना है इसको। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मनी मॉनेटरी कॉपरेशन। भेज रखा है, भेज रखा है, ऐसे कैसे हो सकता है, आपने मुझे सेव नहीं कर रखा होगा, आया है ठीक। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको पढ़ने हैं ऐसे, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, बैलेंस करना है ना, जब पेमेंट एडवर्स चला जाए तो उसको बैलेंस करना इसका काम है। उसके बाद आईएमएफ का फुल फॉर्म याद रखना, स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, आईएमएफ वाज स्टैब्लिश इन 1944 ठीक है। और अच्छा बड़ा करो इसको, बड़ा हो जाएगा, हाँ ठीक है। आईएमएफ का मेन प्राइमरी पर्पज क्या है, प्राइमरी पर्पज है टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। ये पढ़ लिया आप लोगों ने या नहीं पढ़ा, भाई पढ़ लिया ठीक है। आईएमएफ का फंडामेंटल मिशन है टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ये याद रखना ये वाला पॉइंट ठीक। इसको ये तीन तरीके से काम करता है, कहते हैं ट्रैक ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एंड इकोनॉमीज ऑफ मेंबर कंट्रीज, जितने भी मेंबर कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज याद रखना पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा मेंबर कंट्रीज हैं, 190 मेंबर कंट्रीज हैं। लेंडिंग टू कंट्रीज विद बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज एंड गिविंग प्रैक्टिकल हेल्प टू मेंबर्स। इसमें अगर पूरे में इंपॉर्टेंट की बात करूं तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी ऑब्जेक्टिव ठीक है, याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है, तो 90% चांसेस बनते हैं ऑल ऑफ द अबव के, तीन ऑब्जेक्टिव इसमें से उठा लेगा। उसके बाद मेंबरशिप कंट्रीज याद रखेंगे, 190 कंट्रीज है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है याद रखेंगे, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ठीक। अमाउंट अवेलेबल फॉर लैंडिंग याद रखेंगे, 1 ट्रिलियन है। और रेसिपिएंट कंट्रीज ऑफ इमरजेंसी पेंडेमिक में 73 कंट्रीज ने फाइनेंस लिया था, 76। ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं क्या क्या पढ़ना है ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, FDMD फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, इन्होंने लीव कर दिया IMF को, अब गीता गोपीनाथ बन गई। इंडिया ने जो इसका मेंबर बना था, इंडिया बना था 27 दिसंबर 1945 को मेंबर बना था। आशियन की फुल फॉर्म याद रखनी है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ठीक है। उसके बाद स्टैब्लिशमेंट कब हुई, 8 अगस्त 1967 को। और इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन है बताओ, बिना पढ़े बताओ एक बार, आप बताओ मेंबर कंट्री, कोई दो मेंबर कंट्रीज बता दो। हाँ इंडोनेशिया, मलेशिया है ना, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये मेंबर कंट्रीज याद रखने हैं आपको। ब्रुनेई बाद में बना, ज्वाइन किया 7 जनवरी 1984 को, और वियतनाम ने बाद में ज्वाइन किया 28 जुलाई 1995 को। लाओस, PDR एंड म्यांमार, इन्होंने ज्वाइन किया 23 जुलाई 1997 को। और कंबोडिया ने ज्वाइन किया कब, 30 अप्रैल 1999 को। अपने को तो मेंबर कंट्रीज याद रखने हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये नाम याद रखना है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने वो हाईलाइट कर रखा है, तो मेंबर कंट्रीज यहां पे ज्यादा अच्छे से लिख दिया इन्होंने, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम एंड लाओस, PDR। उसके बाद यहां पे कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। आशियान इन न्यूज कहते स्पेशल जो US गवर्नमेंट का एक डेट सेट की फॉर स्पेशल आशियान समिट, वो कहां पे होना है, वॉशिंगटन में होना है। US में कहां पे होगा, ये कंट्री का नाम ध्यान में रखना है। 18th इंडिया आशियान समिट कहां पे, बैंकॉक में, कब,
18 अक्टूबर 2021 को। ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज, ब्रिक्स तो ध्यान रखना थोड़ा सा, ब्रिक्स का ना मेंबर कंट्रीज पूछते हैं क्योंकि छोटे से मेंबर कंट्रीज और BRICS इसी में से इसका आंसर निकलता है, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादा मुश्किल नहीं पूछेगा, उसको भी पता है यार इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका अपने को पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये वाला स्टेटमेंट याद रख लेना, थर्टींथ ब्रिक्स समिट कहां पे हुआ था? 13th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड अंडर इंडिया की चेयरमैनशिप में हुआ था ऑन 9 सितंबर 2021 में। इट वाज थर्ड टाइम दैट द इंडिया होस्टेड द ब्रिक्स समिट आफ्टर 2012 2016। मतलब इंडिया में कितने समिट हो चुके हैं? तीन हो चुके हैं, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद शार्क, ये याद रखना, फुल फॉर्म याद रखना, एक तो फुल फॉर्म पूछेगा ही पूछेगा आपसे। ठीक, कब स्टैब्लिश हुआ? 8 दिसंबर 1985 को। शार्क 8 मेंबर है, कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सेक्रेटरिएट ऑफ एसोसिएशन वाज सेटअप इन काठमांडू, कब? 17 जनवरी 1987 को। शाक की चेयरमैनशिप रोटेट होती रहती है, करंट में किसके पास है? नेपाल के पास है। ठीक, कब तक रहेगी ये? इस डेट तक रहेगी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चेयरमैनशिप करंट की ध्यान में रखना जरूरी है। G20, 20 मेंबर्स होते हैं। G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20, स्टार्टिंग हुआ 1999 में। ठीक, और इसमें जो एक मीटिंग से स्टार्ट हुआ, मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर थे और सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे। जो मेंबर है G20 के, ये आपको 20 कंट्रीज के नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, तीन कंट्रीज का टाइप चलता रहता है, जैसे जिस कंट्री के पास मेंबरशिप है वो एक उसका पिछले वाला, एक आगे वाला। ये जो तीन का मिक्सअप करके जो मीटिंग होती है इनकी, इसको बोलते हैं, इन तीन कंट्रीज को बोलते हैं ट्रोइका कंट्रीज बोलते हैं, ये एक अच्छा वर्ड है। तो द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 रोटेट एवरी ईयर अमंग इट्स मेंबर विद द कंट्री दैट होल्ड द प्रेसिडेंसी विद वर्किंग टुगेदर विद जो पिछला जो था एंड जो आगे काम करने वाला है उनके साथ साथ जो करंट मेंबर है, इन तीन ये साथ साथ मिलकर काम करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रोइका बोलते हैं। बस नाम वर्ड याद रखना, अपने को स्पेलिंग कोई पूछेगा नहीं, लिखी भी होगी उसको टिक करना है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म याद रखना, वे ऑफ बंगाल, अब बीच में कोई भी वर्ड घुमा देगा है ना, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। पूरा फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना इसका। अब कहते हैं बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें एक मेंबर है बांग्लादेश, बांग्लादेश का काम क्या है बिम्स्टेक में, तो ये याद रखना, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। भूटान का क्या काम है, इंडिया का क्या काम है, ठीक, म्यांमार का क्या काम है, नेपाल का, श्रीलंका का, थाईलैंड का, इनका क्या काम है, ये सब चीजें याद रखना। सेक्रेटरी जनरल का नाम याद रखना। उसके बाद कहता है फिफ्थ समिट जो होगा, ठीक है, 14 फरवरी 2022 को जो हुआ वो कहां पे हुआ? कोलंबो में। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन IFC की बात कर रहे हैं, इसका IFC के बारे में पढ़ लेना। इसको दो इसके ऑब्जेक्टिव हैं IFC के, कहते हैं इसको हम अचीव करेंगे 2013 तक, एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड प्रमोट शेयर प्रॉस्पेरिटी इन एवरी कंट्री। ये ऑब्जेक्टिव याद रखना। बस पूछेगा कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ए ऑप्शन लिखेगा, बी लिखेगा, सी लिखेगा, बोथ ए एंड बी। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वॉज कन्विंस्ड इन द अर्ली 1960 एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट वुड बी एशियन इन चार्टर एंड फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ,
जितने भी बैंक है सबका काम यही होता है। IMF में भी तो यही था, इकोनॉमिक ग्रोथ करना एंड कॉपरेशन इन वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। एज ए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बहुत तरह के लोन प्रोवाइड करता है ये। ADB प्रोवाइड क्या करता है, एक तो लोन प्रोवाइड करता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो लोन तो देगा ही देगा, एक टेक्निकल असिस्टेंस, एक ग्रांट रिसीव देता है। ADB मैक्सिमाइज द डेवलपमेंट इंपैक्ट ऑफ इट्स असिस्टेंस बाई फैसिलिटेटिंग पॉलिसी डायलॉग, प्रोवाइडिंग एडवाइस प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव याद रखने हैं इनके। देखो पढ़ना बैठोगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ो तो सही। अभी तक शायद मेरे हिसाब से कुछ बच्चों ने पढ़ा, आपने पढ़ा है? आपने पढ़ लिया, पढ़ा ही है सारा। उस दिन क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहे थे फिर, इसमें से तो थे नहीं हो रहे पा रहे, वो पा रहे थे ना, या हुए थे, हो गए थे, है ना। ये पढ़ लोगे कैसे करूँ, ये पढ़ लोगे? मैं आपको फिर से बता दूँ, अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो, 42 पेज इसमें से करने, आपको कहाँ तक करने आपको बताऊँ, ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रखा है। ICSI पूरा पढ़ना है, ये जो पेज है पेज नंबर 42 तक, बुक्स एंड ऑथर पढ़ना है। ये यहां तक पढ़ना है, खेलो इंडिया तक, इसमें 42 नंबर पेज तक पढ़ना है। उसके बाद, उसके बाद उसके बाद आप यहां तक आ जाएंगे, खेलो इंडिया के बाद लैंग्वेज एंड नेशनल सिंबल। तो लैंग्वेज में देख लेंगे, ये सारा जो ग्रीन कर रखा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पढ़ना तो सारा ही है, ज्यादा पेज नहीं है। देखो 12 पेज है और खुला खुला है, मॉड्यूल की तरह नहीं है। उसके बाद यहां पे ये देख लेंगे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का देख लेंगे, पढ़ लेंगे इसको, ठीक। विश्व हिंदी दिवस, जो नेशनल हिंदी दिवस मनाते हैं वो 14 सितंबर को मनाते हैं। फिर सिंबल आ गए, सिंबल तो हमने पहले भी कभी ना कभी छोटे क्लासेस में भी हमने देखा हुआ होता है। अवार्ड एंड ऑनर, भारत रत्न का सिंबल बता रखा है कि ये सिंबल होता है। पद्म अवार्ड, ठीक, ये सिंबल होते हैं पद्म अवार्ड के। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये सिंबल होता है। अभी एक फिल्म में जो मिला था पुष्पा को मिला था ये, ठीक है, ये ध्यान में रखना क्या क्या अवार्ड है। बड़ा आसान सा कर रखा है, ICSI का फिर बता रखा है। उसके बाद यहां तक करने के बाद फिर आप आओगे थर्ड पार्ट पे, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। बड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके बता रखा है, जो वहां पे हाईलाइट कराना उसी हाईलाइट को कॉपी पेस्ट करके यहां पे उसको इंसर्ट करके, फिर थोड़ा सा कलरफुल इसलिए कर रखा है पढ़ने में मन लग जाए। ज्यादा पेज का नहीं है, 5 पेज का है। उसके बाद ये ओपन करोगे पार्ट नंबर 4, फाइनेंशियल अफेयर स्टार्ट हो गया। अभी तक क्या था, अभी तक था नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स था। सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो गया फाइनेंशियल अफेयर, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 8 पेज में कवर करा हुआ है। उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स आ गया और उसके बाद पार्ट 6 में लीगल एंड अदर अफेयर। ये भी ज्यादा नहीं है, 7 पेज का है। पढ़ने बैठोगे 3 से 4 घंटों में पूरा पढ़ सकते हो। 1 घंटा सुबह पढ़ लो, 1 घंटा शाम को पढ़ लो, 1 घंटा अगले दिन पढ़ लो, 1 घंटा अगले दिन, 2 दिन में कवर हो सकता है। थ्योरी है, ठीक है, मैं भी तो क्या कर रहा हूँ, अंडरलाइन ही कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ रीजनिंग में इंपॉर्टेंट क्या कराना है, आप बताओ। आप लोगों जिसमें दिक्कत है वो मैं पहले कराऊँ, मैं थर्ड पार्ट से उठाता हूँ, आपके सामने स्क्रॉल करता हूँ, समय से थोड़ा 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 कुछ ना कुछ बताता हुआ चलूंगा। थर्ड पार्ट से उठा रहा हूं, कोई बच्चा एब्सेंट था कभी नहीं आया तो एक बार पूछ लेना जहां पे। थर्ड पार्ट में अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहां कहां से बन सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग है, क्या था अगर चैप्टर याद हो, किसी को याद नहीं है? अच्छा करा नहीं था, ठीक है मैं सारा बता दूंगा। देखो फटाफट से, एनालिटिकल रीजनिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं,
एक तो बनता है आपको इस ट्राइंगल का क्वेश्चन बनता है, आपको एक इमेज देगा और आपको बोलेगा इसमें कितने ट्राइंगल है इस इमेज में, बता सकते हैं कैसे करेंगे? सबसे पहले जो भी कॉर्नर है ना वहां पे नाम दे देंगे हम उसको, हम नाम दे देंगे जैसे ए बी, इमेज तो ऐसे देगा उसको नाम दे देना है। उसके बाद इसमें ट्राइंगल कितने वो फाइंड करने हैं, तो पता है कैसे करना, सबसे पहले सिंगल ट्राइंगल फाइंड करना, छह हो गए। उसके बाद दो दो ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन फाइंड करना कि दो 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 ट्राइंगल से एक ट्राइंगल जो बना हुआ है, तो आपने कहा सर एक ये बना हुआ है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए बी और डी, ऐसे। उसके बाद ए बी और ई बना हुआ है, उसके बाद बी एफ और सी बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद बी डी और ई बना हुआ है, देख पा रहे हो। उसके बाद डी एफ सी बना हुआ है, और उसके बाद एक ये बना हुआ है ए डी और ई बना हुआ है, कितने आए, एक दो तीन चार पांच और छह। उसके बाद तीन तीन ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन देखना है, तीन तीन ट्राइंगल, ये रहे तीन और ये रहे तीन, दो ट्राइंगल ये मिले। अब चार चार ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन देखना है, चार ट्राइंगल कहां है, ये रहे एक दो तीन चार, बट इसका नाम क्या, एक एक कराऊंगा। देखो कहते हैं एक टीम का सिलेक्शन करना, टीम ऑफ 5 is to be selected, पांच लोगों की टीम का सिलेक्शन है, पांच तो बॉयज दे रखे हैं और चार गर्ल्स दे रखी हैं, बट मेंबर कितने सेलेक्ट करने हैं, पांच मेंबर सेलेक्ट करने हैं। क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, कहते हैं ए और एस टीम में साथ साथ होने चाहिए, ए और एस जो है वो टीम में साथ साथ होने चाहिए, पी को आर के साथ नहीं रखना है टीम में, डी और क्यू को साथ साथ नहीं रखना है, सी और ई को टीम में साथ साथ रखना है, और आर को बी के साथ नहीं रखना, ठीक है। ये कुछ क्राइटेरिया है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, मैं यहां पे सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूं। पहले कहते हैं इफ आर बी वन ऑफ द मेंबर, एक मेंबर आर तो होगा ही होगा, पांच लोगों की टीम जो होगी उसमें आर को तो रखना ही रखना है, अदर मेंबर और कौन कौन हो सकते हैं, तो डी और क्यू देखा रखा है इसमें, डी और क्यू टीम में साथ नहीं हो सकते, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहां पे एस को तो ले रखा है, या पी और आर को ले लो, पी और आर ये टीम में साथ नहीं हो सकते हैं, यहां पे P और R फिर से आ गया, साथ नहीं हो सकते, A को ले रखा है, S को ले रखा है, हो सकते हैं, C को ले रखा है, E को ले रखा है, ये भी हो सकते हैं, R को ले रखा है, ये हो सकता है, तो ऑप्शन इस टाइप से सिलेक्शन करना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपको उसका कोडिंग का क्वेश्चन पूछ लेगा, नंबर टेस्ट का क्वेश्चन पूछ लेगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ लेगा और नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लेगा। कॉमन सेंस जैसे फर्स्ट कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, जैसे चार दे दिया आपको, आपको नौ दे दिया, आपको 64 दे दिया और आपको 125 दे दिया, ये चार ऑप्शन दिए, तो आप क्या टिक करोगे, 125, क्यों, ये दो का स्क्वायर है, ये तीन का स्क्वायर है, ये आठ का स्क्वायर है, 125
25 का क्यूब। उसके बाद ऐसे दे सकता है, जैसे मान लो R A M, ठीक है, और यहां पे लिख देगा या इसके इक्वल टू करके लिख देगा कि +1 +1 +1, R का +1 क्या S B N, फिर M A N का लिख दिया, ये भी +1 +1 ले लिया, फिर एक और लिया उसमें भी +1 +1 +1, बट लास्ट ऑप्शन दे दिया +1 +2 +1, तो ये चीजें भी इसमें ओड वन में आ सकती हैं। नॉलेज के क्वेश्चन कैसे बनेंगे? नॉलेज में 3 प्राइम मिनिस्टर के नाम है, 1 प्रेसिडेंट का नाम है, ये नॉलेज का क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इस टाइप से इसमें क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन बनेंगे। आप कॉमर्स बैकग्राउंड हो फिक्स तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। 3 खर्चे लिख दे, 1 इनकम लिख दे, 3 असेट लिख दे, 1 लाइबिलिटी लिख दे, तो इस टाइप से भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन बन सकता है। टॉपिक मैंने बता दिया, ठीक है, क्वेश्चन पक्का मिलेगा देखने को। उसके बाद अगला टॉपिक है, ये इमेजेस वाले टॉपिक आ गए, ये हो जाएंगे, एक एक क्वेश्चन बात करते हैं, फटाफट से करते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, ठीक है, आपको इनकम्प्लीट पैटर्न दे रखा होगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक इमेज उठा के वहां पे रख देनी है। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया, यहां पर क्वेश्चन नंबर 9, क्या ये हो सकता है? नहीं। क्या ये हो सकता है? हां, ये भी टेढ़ा मेढ़ा है, ये भी अजीब सा दे रखा है, तो ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन 2 बना। एक तो इमेज देख के पहचानना है, एक कई बार 90 डिग्री पे रोटेट कर देता है बॉक्स को, उससे पहचानना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये कुछ इस टाइप से और कुछ इस टाइप से आ जाएगा, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें भी। उसके बाद फिगर मैट्रिक्स, फर्स्ट रो को देख के सेकेंड रो में कंसिडर करना है कैसे होगा, या थर्ड को देख के सेकेंड को कंसिडर करना है। जैसे मान लो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, फर्स्ट रो में ट्राइंगल में एक लाइन इंक्रीज हो रही है, 2 लाइन इंक्रीज हुई, 3 लाइन इंक्रीज हुई, तो इसमें फिर आगे इसमें इंक्रीज कर दिया इसने 1 लाइन 2 लाइन, तो अब 3 लाइन वाला आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पे कहते हैं ये 2 लाइन से बना, ये 3 लाइन से, लाइन इंक्रीज होती जा रही है, ये 4 लाइन, तो कहते हैं ये कितने लाइन से बना है? 4, ये कितना? 5, अब 6 लाइन वाला उठाओ, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक मैट्रिक्स चल रही है इसमें। उसके बाद ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर, ठीक है, एक जैसी जो इमेजेस है उनको ग्रुपिंग करना है। जैसे मान लो इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इमेज को ग्रुप करना है, एक लाइन का क्वेश्चन बनता है, ठीक। सबसे पहले हम इमेज वाला ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर इमेज वाला लग गया और ऑप्शन मिल गए तो ठीक है, वहीं रुक जाएंगे। जैसे ग्रुपिंग देखो, यहां पे मिल गया मुझे, क्या मिला? 1 3 8 1 3 8, यही मिल गया, बस हो गया मेरा काम, आगे का चेक करना वो कर लो। जो आप सोच रहे हो क्या वही है इसमें? 2 5 और 7, ठीक है, बस हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। उसके बाद लाइन का क्वेश्चन, अब लाइन वाले में आप कोशिश करोगे इमेज के हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। जैसे आपने कोशिश की सर 1 4 और 1 5, तो 1 4 5 ऑप्शन में ही नहीं है, थोड़ा सा कोशिश करोगे, क्योंकि मुझे तो ये 3 ही सेम लग रही है, बाकी तो कोई सेम है नहीं। तो जब कोशिश करोगे ना इमेज के हिसाब से तो आंसर ही नहीं मिलेगा आपको, फिर लाइन का एलिमिनेट रहा। फिर लाइन वाला क्वेश्चन आया, तो ठीक, तो आप देखोगे ये 2 लाइन से, ये 3, 2 लाइन से, ये 2 लाइन से, तो 1 2 3 1 2 3, ये रहा। पहले इमेज के हिसाब से देखोगे, आपको क्या पता इसमें इमेज वाला फॉलो करा या लाइन वाला फॉलो किया है ना। उसके बाद मिरर इमेज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर में एक तो मिरर इमेज को पहचानना है, लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में। जैसे अगर हम इस इमेज की बात करें, सबसे पहला ही
तो इसके अंदर ये जो स्टार है ये लेफ्ट में दे रखा है, ये राइट में मिलेगा आपको, तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। उसके बाद जो ये एक इमेज सी दे रखी है, ये कहाँ दे रखी है, ये राइट में दे रखी है, ये किधर आ जाएगी, लेफ्ट में आ जाएगी, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट इमेज का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज कर रखा है, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा। बट इसमें ज्यादा जो चांसेस रहते हैं वो नंबर और सिंबल वाले रहते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, तो इधर स्टार्ट होना चाहिए ए और इधर टू पे एंड होना चाहिए, तो सबसे पहले वही उठा लो, इसमें ए से स्टार्ट हो रहा है, टू पे एंड हो रहा है, बाकी किसी में भी ऐसा नहीं हो रहा, तो आंसर यही हो गया। बाकी मैथ्स क्यों करोगे, बाकी क्या करने बैठोगे ऐसे, नहीं 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 ऐसे ऐसे नहीं, नहीं टाइम खराब मत करना, जब इतना ही एकदम सही है, ए इधर आना चाहिए और इधर टू आना चाहिए, तो बस ठीक है, टिक टिक करो, आगे चलेंगे। जैसे इधर ए दे रखा है, इधर टी दे रखा है, तो टी इधर आएगा और ए इधर आएगा, टी इधर है, ए इधर है, टी इधर है, ए इधर है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब दो ही ऑप्शन बचे अपने पास। अब दो में देख लो जल्दी से कि कोई उल्टा तो नहीं कर रखा किसी को, उल्टा नहीं कर रखा किसी को भी, बट एक डिजिट चेंज हो रहा है, TRA1N4O1, इसमें देखो क्या है, वन है, वन है, तो वन वाला टिक करो। जैसे ये देखा वाई और जी, तो जी उल्टा होना चाहिए, ये नहीं होगा, जी उल्टा होना चाहिए, जी उल्टा है, जी उल्टा है, वाई है, ठीक है, वाई उल्टा हो गया, ये भी, अब दो ऑप्शन बच गए मेरे पास, इसमें ए उल्टा दिख गया मुझे, मैंने काट दिया, बस आंसर आ गया मेरा। रूल डिटेक्शन याद होगा, रूल डिटेक्शन क्या था, ओपन फिगर क्लोज होती गई, क्लोज फिगर ओपन होते गए, ज्यादातर 10 क्वेश्चन है, 10 में 7 क्वेश्चन में यही रूल लगा रखा है, कहता है क्लोज फिगर बिकम मोर एंड मोर ओपन एंड ओपन फिगर बिकम मोर एंड मोर क्लोज, तो जैसे क्लोज फिगर है ओपन हुई और ओपन हुई और ओपन हुई, ओपन फिगर है क्लोज हुई और क्लोज हो गए, तो आंसर क्या आ गया, इस टाइप का रूल है ये। या फिर और क्या रूल हो सकता है, ये वाला रूल हो सकता है, कहता है सीरीज बिकम कॉम्प्लेक्स एज इट प्रोसीड, जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वो कॉम्प्लेक्स होती गई, ठीक है बता देंगे, है ना, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन हो, दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, रूल यही हो सकता है। एक रूल ये भी दे रखे, द कर्व टर्न इनटू स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन जो थी वो कर्व में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, तो ये रूल अप्लाई करना है कि ये जो कर्व था ये तो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया और अंदर जो स्ट्रेट लाइन थी वो कर्व में कन्वर्ट हो गई, तो किस इस टाइप से इमेज आ जाएगी। इस टाइप से एरो दे सकता है, ये तो एरो चलो ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट के दे रखे हैं, कोई ऐसे और भी हो सकता है, कोई और एरो दे दे, ठीक है, ट्रैफिक के रूल्स का कुछ बता दे, तो कहते हैं इनको ऐसे कंबाइंड करो कि इनका कुछ मीनिंग निकले, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंगल अनब्रोकन लाइन कैन ट्रेस एनी फिगर इन सीरीज विदाउट रिट्रैक्टिंग, है ना, तो क्या पहले वाला बन सकता है, नहीं बन सकता, क्या दूसरा बन सकता है, नहीं, ये नहीं बना तो ये कैसे बन जाएगा, ये बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, ये नहीं बन सकता। लास्ट टॉपिक तभी कर पाते हैं जब आपको कोडिंग के क्वेश्चन करने आते हैं, है ना, तो बताओ इसका एक बार आंसर बताना मुझे, फोर्थ क्वेश्चन का करके बताओ, करो करो, बिना लिखे कैसे करोगे, अच्छा नहीं नहीं बिना लिखे ही करो, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, बताओ क्या होगा,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर बताओ। कोई बात नहीं, आंसर दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा कोडिंग है ये? सिंपल कोडिंग है ना? हाँ, नंबर कोडिंग, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। ए का कोड क्या है? 4 है। 4 जैसे ही पता लगा, बाकी किसी में 4 दे रखा है नहीं दे रखा, तो बस ठीक करो, आगे चलो। ये सारे क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस कर रखे हैं, आप लोगों ने कर भी रखे हैं। उसके बाद आगे इसी में आगे आपको दे रखा है, ये वाला बता दो। इसका बताओ क्या बनेगा? 9 का मतलब क्या? कितना? बी। कैसे बताओ? 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 और प्लस 19। प्लस 11 का रखे, 11 प्लस 11 22, 22 प्लस 13, 13 प्लस 15, सॉरी 11 प्लस 11 22, 22 प्लस 13 35, 35 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। ये वाला बताओ। सेवेंटी फाइव कैसे करके? 2 × 2 प्लस 1, 5 × 2 माइनस 1, 9 × 2 प्लस 1, 19 × 2 माइनस 1 और 37 × 2 प्लस 1 और आगे 7, बस हो गया। उसके बाद चलो ये दो क्वेश्चन बताओ मुझे, सिलोजिज्म के बताने हैं। डायग्राम क्या बनेगा पहले? कार, फैन, ये बनेगा, यही सोचा था ना? ठीक है। अब कहता है ऑल कार्स आर फैन, कार और फैन तो डिफरेंट है। सम फैंस आर कार, ऑल फैंस नहीं, ये दोनों ही गलत है। टी और कॉफी दोनों डिफरेंट है, टी कॉफी यहां पे क्या बना? ऑल टी आर बेवरेजेस एंड ऑल कॉफी आर बेवरेजेस, बट टी कॉफी नहीं हो सकती, कॉफी टी नहीं हो सकती। उसके बाद इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है?
सोच के देखो. ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल. ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा ऑल अलाउड है, रिवर्स में ऑल अलाउड नहीं है. तो कहता है ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटीफुल चलेगा. सम गर्ल्स आर एक्टर, सम गर्ल्स आर एक्टर, ये कौन थे? ये एक्टर थे, ये गर्ल्स हैं और ये ब्यूटीफुल है. सम गर्ल्स आर एक्टर, ये भी चलेगा, दोनों ट्रू हैं. दो क्वेश्चन और करते हैं, ये दो क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला और ये वाला, फिर आगे बढ़ते हैं. सम कप्स आर नॉट शर्ट, नहीं ऑल शर्ट और कप आर शर्ट. सम शर्ट्स आर कप, ये चलेगा, ये तो करा हुआ है. ऑल द सिंगर आर डांसर. सम एक्टर्स आर सिंगर, तो कहते सम एक्टर आर डांसर, हां जी चलेगा. नो सिंगर इज एक्टर, क्यों नहीं है? ये है तो सही, ये गलत हो गया. उसके बाद उसके बाद वेन डायग्राम आपको दे रखा है, थिव दे रखा है, क्रिमिनल दे रखा है और जज दे रखा है. पहले ये करा दूं, पहले वो बोल दिया तो वही करा देता हूं. आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सिलेक्शन करना है. यहां रियल लाइफ की बातें होंगी, सिलोजिज्म में रियल लाइफ की बातें नहीं होती, वहां स्टेटमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है. ठीक है, तो रियल लाइफ होगा तो हम अपने आप से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ जी ऑल थीव्स, जितने भी चोर होते हैं, जब नाम ही चोर दे दिया तो सब क्या है? क्रिमिनल है. अब जज है, जज तो टोटली क्या है? डिफरेंट है. जैसे बोल दे कि ऑल टाइगर्स आर कार्निवोरस एनिमल, ठीक, और बोल दे आगे क्या, काऊ बोल दे, तो काऊ इज टोटली डिफरेंट. इसी तरह से बोल दे, मदर बोल दे, वुमन बोल दे, एंड मदर वुमन और क्या बोल दे, एक और बताओ, और इंजीनियर बोल दे, तो हम कहेंगे ऑल मदर्स आर वुमन. अब इंजीनियर बनाना है, कैसे करेंगे इंजीनियर को? ये इंजीनियर है ना, उसके बाद मतलब इसमें 7-8 टाइप के हैं, सारे बता रखे हैं, एक बार फिर से बता दूं. डॉग, काऊ, हॉर्स, कॉफी और टी, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक, तीनों अलग अलग है, अलग अलग डायग्राम बनेगा. ये बता ही दिया मैंने आपको, जब फर्स्ट में दे रखा हो कि ऑल पोटैटो आर वेजिटेबल्स, ऑल वेजिटेबल आर, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही बनते हैं. सीधा सीधा ऑल अलाउड है, सिलोजिज्म की बात करें रिवर्स में सम अलाउड है, डिफरेंट है. अभी अभी किया, टी कॉफी डिफरेंट है, बट बोथ आर बेवरेजेस. पेन पेंसिल अलग है, बोथ आर स्टेशन. वुमेन सिस्टर मदर अभी अभी बताया, ठीक है, जो वुमेन मदर और इंजीनियर बताया सेम वैसा ही है. उसके बाद बॉयज स्टूडेंट, बॉयज अलग है, गर्ल्स, बट बहुत कुछ बॉयज, सॉरी बॉयज गर्ल्स और स्टूडेंट, ये था ना, हाँ बॉयज दे रखा है, गर्ल्स दे रखा है और स्टूडेंट बता रखा है. ये रहा बॉयज और स्टूडेंट, तो अभी भी पढ़ा. अब एथलीट्स दे रखा है, तो सारे बॉयज एथलीट्स नहीं होते, सारे स्टूडेंट्स भी एथलीट्स नहीं होते, ये बता ही दिया मैंने आपको. डॉग दे रखा है, एनिमल दे रखा है, ओल्ड डॉग आर एनिमल,
फ्लैश ईटर, तो सारे डॉग भी फ्लैश ईटर नहीं होते और सारे एनिमल भी फ्लैश ईटर नहीं होते, तो कर लोगे इस टाइप के। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस, है ना। नंबर वाला तो आसान है, रैंकिंग वाला कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब रैंकिंग वाले में कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है, नंबर वाला तो समझ गए ना, नंबर वाले में बोलेगा ऐसे कितने 5 है, ऐसे कितने 7 है, ठीक, के पीछे 3 या 4 दे रखा है और आगे ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे कहता है इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने 5 है जिसके पीछे तो 3 और 4 होना चाहिए बट आगे 8 और 9 नहीं होना चाहिए। तो देख लो ये 5 है, पीछे 3 तो है बट आगे 9 है, ये नहीं हो सकता। जैसे ये 5 है, इसके पीछे 4 है, चलेगा, आगे 5 है, ये भी चलेगा, इस टाइप से फाइंड करना है। ये 5 का है, 7 का भी हो सकता है, कंडीशन चेंज भी हो सकती है, ठीक। आपको इसमें पेयर बताने, ऐसे कितने पेयर है। रैंकिंग वाला अच्छा क्वेश्चन है, रैंकिंग वाले में कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये बोल देगा, कल परसों एक बच्चे ने भेज रखा था कि सर मिस्टर ए का रैंक स्टार्टिंग से और एंड से दोनों से 5th है, स्टार्टिंग से भी 5th है, एंड से भी 5th है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। स्टार्टिंग से भी 5th है, एंड से भी 5th है, नो नो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ लिया। आप कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 9 है और मिस्टर ए का रैंक अगर स्टार्टिंग से 5th है तो एंड से कौन सा होगा, पूछ सकता है ना, वो एक्स मान लेंगे। बात तो एक ही, फॉर्मूला इधर से इधर घुमाना ही तो है। इसका फॉर्मूला ये होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है 9 है और कहता है एक्स का रैंक लेफ्ट से 5th है, राइट से नहीं पता माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा राइट से, राइट से भी 5 आ जाएगा, क्यों ये एक इधर आके प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 1 माइनस 5। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है टाइम सीक्वेंस वाला, टाइम सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, है ना, कि राम को याद है कि इस डेट को बर्थडे आएगा, शाम को याद है, तो ये जब क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या भी कवर हो जाता है, ये टॉपिक भी कवर हो जाता है। उसके बाद वर्ड्स को अरेंज करना, जब वर्ड्स को अरेंज करना है तो समझ जाना कि ये, अब बात ये आती है कि क्या यही क्वेश्चन आएंगे या क्वेश्चन कुछ और भी आ सकते हैं। बॉडी पार्ट्स को अरेंज करना है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, पार्ट्स ऐसा दे दिया जिसके बारे में जानकारी, फिर तो ऐसा स्टार्टिंग के कुछ ऑप्शन मिलाने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में स्टार्ट करूं, पहले क्वेश्चन में, तो मुझे पहला तो पता है, दूसरा भी पता है, तो क्या यहां तक मेरा आंसर आया 4-3, 4-3, अब मुझे गड़बड़ लग रही है, तो 50-50 लाइफलाइन तो यूज हो गई। अब दो ही ऑप्शन, अब इन दो के पीछे पड़ जाएंगे और तुक्का भी लगाना होगा तो कहां लगाएंगे, लगाएंगे ब्लैंक है, ब्लैंक तो नहीं है, 5 में से 2 ऑप्शन तो ठीक कर सकते हैं, मतलब नंबरिंग करनी हो तो 5 में से 2 को तो लगाएंगे, चाहे स्टार्टिंग से लगाओ चाहे लास्ट से लगाओ, तो ऑप्शन ये 2 बचे, अब इन 2 में लग जाओ कि क्या करना है। अब लास्ट देख लो, कह रहे इसके पास तो कुछ, तो लास्ट 5, अब इसके 2 ऑप्शन में गड़बड़ है ना। अगर बोला बॉडी पार्ट्स को अरेंज करो, नीचे से ऊपर अरेंज करना है, स्टार्टिंग के 2 मिल गए, अब 20 के पार्ट्स नहीं पता, अब एंड का दे रखा है तो एंड वाला टिक करके देख लो कौन सा वाला है। तो ये टॉपिक अगर एग्जाम में दिखता है तो समझ जाना ये लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट है, मतलब जहां पे उसको लाइन से अरेंज करना है।
तो ये वाला टॉपिक जो है इसमें ये सबसे लास्ट में क्वेश्चन करना, सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आ जाए आसान है तो कर देना, बट ज्यादा टाइम खराब मत करना इस क्वेश्चन में, क्योंकि अब तक जितने टॉपिक कराए आप खुद बताओ मुझे उसमें सबसे ज्यादा कौन सा लगता है मुश्किल, अब तक जितने कराए अब तक आज की क्लास में। क्या एनवीआर तो आसान है, पूरा एनवीआर ही आसान है, उसमें कहीं अटक सकते हैं हम? नहीं, बोला बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अब तक। फिर सिलोजिज्म नहीं, लेकिन इसमें जब क्वेश्चन आता है ना, चलो ये तो पढ़े हुए हमने, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, वो कहेगा फाइंड द मिसिंग फिगर, तो ये तो हमने करा हुआ है, लेकिन इसके जगह कुछ और घुमा दे तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। पेन पेंसिल अलाउड है नहीं, कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, ठीक है? तो इसको कोशिश करके देखना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का कैसे करा हुआ है इन्होंने, 17 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, तो मिडिल नंबर आ गया। 52 प्लस 26, हाँ 41। जैसे ये क्वेश्चन आए ये बड़े आसान हो जाता है, कहते हैं सर प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 7, 3 प्लस क्या 5 प्लस क्या, आप किसके बारे में, 7 के तो 15, 15 आ गया आंसर। कई बार आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब 12 के सामने 139 दे रखा है, तो भैया कुछ तो करा होगा, 12 का स्क्वायर करा होगा, माइनस 5 करा होगा, इतना तो सोचना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर 225 है, तो 225 के आसपास ना, अब ये क्यों सोचते हो कि सर 220 दे रखा है, 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, तो उसके आसपास है तो स्क्वायर का ही रूल है, तो 3 का स्क्वायर और माइनस 5 करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, टिपिकल है ये वाला क्वेश्चन, बच्चे कैसे करते हैं, हम ऐसे स्टार्ट करते हैं सर, 1 × 2, 2 × 3, ठीक, अब इंटू 4 आना चाहिए, तो 4 आते ही वो गड़बड़ हो गई, नहीं हो रहा है ना। लेकिन 6 से 21 पे दो तरीके से आ सकते हैं सर, 6 × 4 − 3 आ सकते हैं, तो क्या यहां पे यही रूल लग रहा है, 21 × 4 − क्या करना है मुझे, सॉरी 21 × 5 − 4 करना है, तो नहीं बैठ रहा। दूसरा तरीका भी है, हाँ 6 × 3 + 3 भी कर सकता था मैं, 6 × 3 + 3, 21 × 4 + 4 किया और 88 × 5 + 5 किया, तो आंसर तो आ गया मेरे पास, बट मैं कहूंगा यार ये स्टार्टिंग है क्रेक नहीं हुए, ये मैं करूं या नहीं करूं, तो करने की जरूरत क्या है, जब आंसर ही आ गया तो फिर भी करना चाहते हो कर लो, कैसे करूंगा, 2 × 2 + 2 और 1 × 1 + 1 आ गया ना, × 1 × 2 × 3 × 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी दे सकता है, अगर कभी ऐसे आ जाए कि फाइंड द मिसिंग फिगर, तो क्या किया करो, पोजीशन नंबर लिख लिया करो सबसे पहले ABCD के, कि पी का पोजीशन नंबर है सर 16, ए का पोजीशन नंबर है 1, ओ का पोजीशन है 15, सबसे पहले ऐसे लिख लो तो कहीं ना कहीं आंसर आ ही जाएगा। जे का 10 है, डी का 4 है, एफ का 6 है, ओ का 15 है, आई का 9 है, और यहां पे 6 बचेगा क्योंकि ये माइनस हो रहा है ना, इस टाइप से करना है। उसके बाद कर लोगे, इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द मिसिंग फिगर या कंप्लीट द गिवन पैटर्न, ठीक है? ये डिसीजन मेकिंग मैं बता चुका हूं, इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते। उसके बाद
ब्लड रिलेशन, इसको बता दिया था उस दिन, बट एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक सेकंड देता हूँ, वो वाला क्वेश्चन देता हूँ, ये ज़्यादा चांस होते हैं, ये उसमें भी दे रखा है मॉक टेस्ट में, ये वाला क्वेश्चन है। बताना इसका आंसर, बताना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पक्का मिलेगा देखने को। नॉट ट्रू बोला हुआ है। हाँ ठीक है, कहता है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। ए और बी का अपने को पता है जेंडर, सी का नहीं पता। आप कहते हैं सी इज द ब्रदर ऑफ ए तो श्योर नहीं कह सकते, ठीक है। करा हुआ है ना ये, क्या था इसका आंसर? चलो डी का छोड़ो, हाउ डू ई, डी इज रिलेटेड टू ए, हाउ ई इज रिलेटेड टू ए बताओ। सन, हाँ यहाँ ए डी, ये जो आंसर है डॉटर इन लो है। ई का अगर रिलेशन पूछते तो वो सन हो जाता। ये वाला बताना, ये करा हुआ है क्या देखना। यहां ये गलतियां हो जाती है, देखो ये क्वेश्चन आप डॉटर करके आओगे गलत हो जाएगा, इसका मतलब नहीं करा हुआ। बताओ फिर बताओ, पढ़ो आप दोबारा। आपने उल्टा आंसर दे दिया है, मदर होगा भाई, आपने डॉटर बोला है, उल्टा बता दिया आपने। हाँ आपने बच्चे का बता दिया, ठीक है ना। नहीं नहीं दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ ओनली ए चाइल्ड ऑफ माई फादर, ओनली ए चाइल्ड ऑफ माई फादर, ओनली ए चाइल्ड ऑफ माई फादर। मेरे फादर का इकलौता बच्चा कौन, मैं खुद उसकी डॉटर है, मतलब मेरी डॉटर है, तो मेरी वाइफ उसकी क्या लगी, मदर लगी। उसके बाद आगे चलेंगे। ये अच्छा टॉपिक है, असर्शन और रीजन, बताया था मैंने बड़े ढंग से बताया था। असर्शन का मतलब होता है फैक्ट और रीजन का मतलब रीजन बिहाइंड द फैक्ट। अगर ए अपनी क्लास में, मैंने कहा था ये असर्शन और रीजन तो 12th क्लास में दुनिया आप बहुत सारे पढ़ चुके हो। ऑप्शन है ए ट्रू है, आर फॉल्स है, बस स्टॉप हियर। ए फॉल्स है, आर ट्रू है, बस स्टॉप हियर। ए और आर दोनों ट्रू है तो अब चेक करना है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। इसमें कॉमन सेंस के क्वेश्चन तो हो जाते हैं, फिर मैंने वही बताया था जो नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं वहां प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे यहां पे असर्शन क्या दे रखा है, टॉपिक है असर्शन और रीजन, ठीक। यहां पे असर्शन दे रखा है जेम्स वॉट ने इन्वेंशन किया स्टीम इंजन का, ये ट्रू है, ये करेक्ट है।
और इट वॉज इन्वेंटेड टू पंप आउट द वाटर फ्रॉम द फ्लडेड माइन, ये भी ट्रू है. अब चेक करना है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यस इट वॉज इन्वेंटेड फॉर द पंप आउट द वाटर फ्रॉम द फ्लडेड माइन. इस टाइप से देखना है तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एक जैसे चैप्टर लगते हैं देखने में. कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट और अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट और अजम्पशन और असर्शन और रीजन, क्या ऐसा कोई और है? ये तीन ऐसे टॉपिक हैं एक में से क्वेश्चन पक्का मिलता है. उसके बाद हाँ एनालॉजी अच्छा टॉपिक है. जैसे मान लो यहां पे आपको दे रखा है, मान लो यहां पे दे रखा है 18, यहां पे दे रखा है 25, यहां पे स्पेस छोड़ दिया और यहां दे दिया 625. हाँ 324 स्क्वायर है भाई, इतना जल्दी से क्रैक करो ना इस चीज को, तो आसान था. जैसे यहां पे दे दिया आपको 25, ये स्पेस छोड़ दिया और यहां पे दे दिया 3 आएगा एस ठीक है. बाकी एनोलॉजी में फिर से वही बात, कॉमन सेंस के क्वेश्चन रहते हैं, नॉलेज बेस रहते हैं, कोडिंग के क्वेश्चन भी रहते हैं, नंबर टेस्ट के क्वेश्चन भी रहते हैं. नॉलेज बेस कैसे, कंट्री का नाम उसका प्रेसिडेंट, फिर कंट्री का नाम और उसका प्रेसिडेंट ब्लैक छोड़ते हैं, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना. ये भी कॉमन सेंस का ही मान सकते हैं कहीं ना कहीं, इतने इतने ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये कोडिंग का क्वेश्चन है. अल्फाबेट टेस्ट और अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, ये दोनों तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों तो कंबाइंड है, एक जैसे से टॉपिक है. जैसे इसका एक क्वेश्चन ओपन करता हूं यहां पे, एक सेकंड ओपन. इसका आंसर बता दो बस. लेफ्ट टू राइट वाला कॉम्बिनेशन याद रखना है, बस कॉन्सेप्ट याद रखोगे हो जाएगा क्वेश्चन. लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस करके आंसर निकालना है, लेफ्ट टू राइट प्लस करके निकालना है. लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मतलब एक ही बात है वो. उसके बाद रिवर्स अगर बोला तो पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कर लो. इसने क्या बोला, पहले लेफ्ट टू राइट तो बाद में लगाएंगे, कहते हैं सेकेंड हाफ को रिवर्स में लिखना है, तो ए से लेके एम तक लिख दिया,
फिर उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया, जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया, लिख दिया पूरा। उसके बाद अब कहता है देन विल व्हाट विल बी द एट्थ टू द राइट ऑफ सेवन्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो एट प्लस सेवन फिफ्टींथ लेटर, कहां से वो इसमें लिख रखा है फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से मतलब कहां से, ए से स्टार्ट करूंगा, फिफ्टींथ लेटर पे जाऊंगा, थर्टीन हाफ आ गया, वहां तक तो सीधा सीधा लिख रखा था, सेकेंड हाफ रिवर्स में है तो जेड और वाई, फिफ्टीन वाई आ गया। इससे भी अच्छा क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूं, इससे भी अच्छा क्वेश्चन ये वाला बनता है जो मैं अब लिखूंगा, जो वो बनाने होते हैं कि उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जितना इंग्लिश अल्फाबेट में होता है। तो मैंने एक लिखा डिक्शनरी वर्ड लिखा, स्पेलिंग देखना एक बार, एन ए होगा, चलो अब इसमें देखते हैं, आई और बहुत बढ़िया, हैं तुम समझ से नहीं पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया अब तक, ये हैं टी और वाई, ना ना बस, बाकी हो सकता है और मिले, ले कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है देखो कि क्या करना है ना, तो थोड़ा सा और चेक कर लेना, ओ पी क्यू आर, देखो मिल गया ना, मैं वही कह रहा हूं जल्दी नहीं करनी है ना, अब तीन मिल गए मान लो, ऑप्शन है वन टू थ्री एंड जीरो, तो बस आगे बढ़ जाओ, तीन मिल गए मैक्सिमम ही तीन उसमें दे रखा है, तो और कोशिश मत करना ढूंढने की, ऑप्शन ही नहीं है, है ना, ये तो ये श्योर तो हो सकते हैं अपने, तो ये अल्फाबेट टेस्ट में क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो दो ही थे, एक तो लेफ्ट टू राइट वाला था अच्छे कॉन्सेप्ट में, एक डिक्शनरी वाला क्वेश्चन आप लोगों को आता है देखना, डिक्शनरी वाला आता है देखना कि थर्ड प्लेस पे कौन सा आएगा, फोर्थ पे कौन सा आएगा, और एक ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, इसमें अपने पास अल्फाबेट है, अपने को पता है, वहां वो अपना अरेंजमेंट खुद देता है, कोडिंग में देखना वो क्वेश्चन पक्का मिलता है कोडिंग में, सेंटेंस वाला, क्योंकि उसमें ना टाइम कम लगता है, कोडिंग का एक क्वेश्चन मुश्किल मिलेगा आपको और एक मिलेगा आसान, सेंटेंस वो वाला कि दिस इज कॉल्ड दिस, दिस इज कॉल्ड दिस, दिस इज कॉल्ड दिस, स्टेटमेंट और अजम्पशन, आपको स्टेटमेंट दे रखा होगा याद है आपको अच्छे से, और दो अजम्पशन दे रखी होगी 90% केस में आसानी से आंसर मिल जाता है, क्योंकि वही चीज होती है जो हम खुद सोच रहे हैं, अजम्पशन जो हमें पता है, ठीक है, जैसे बी पॉइंट दे रखा है प्लीज स्विच ऑफ द मोबाइल फोन वाइल यू आर इन द थिएटर या वाइल यू इन द क्लास या कुछ भी बोले, एक नोटिस लगा हुआ था आउटसाइड ए थिएटर, तो अपनी जिद नहीं चलानी है, नहीं सर वो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो चालू रखते हैं फोन, है ना, वो उस दिन भी मैंने बोला था मेट्रो में मास्क लगाना कंपलसरी, बहुत सारे नहीं लगाते, तो अपनी जिद नहीं लगानी, अगर नोटिस लगा है तो मानना पड़ेगा, अपील है तो मानना पड़ेगा, कोई एडवर्टाइजमेंट है तो मानना पड़ेगा, गवर्नमेंट का अगर एडवर्टाइजमेंट है तो ये हो जाएगा आराम से। कौन सी ठीक है इसमें, ऑप्शन बी ठीक है, हमेशा एजम्पशन को पॉजिटिव लेकर चल रहा है, नेगेटिव नहीं लेकर चल रहा है।
और ऑलवेज एवरीबडी ओनली ये चीजें नहीं होती, ओनली रीडिंग मटेरियल ये नहीं होता। सबके ऊपर आप अपनी अजम्पशन नहीं थोप सकते, अजम्पशन मतलब जो हमने पहले से सोच रखा है ठीक है उसके हिसाब से आंसर करना है। नंबर टेस्ट आसान था, कर लिया अभी भी, करा नंबर टेस्ट अभी भी समझा हमने। ये दोनों टॉपिक एग्जिस्ट हैं, नंबर टेस्ट और सीक्वेंस एंड सीरीज। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं करके देख बताना। जैसे आपको दे रखा है 5, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। बताओ क्या आएगा ब्लैंक में? ऐसे ना स्क्वायर भी दे सकता है इसका, जैसे 5 का स्क्वायर दे दिया, 7 का स्क्वायर दे दिया, 11 का स्क्वायर, फिर एक स्पेस छोड़ देगा ठीक है। तो प्राइम नंबर ध्यान में रखना है, कई बार क्या होता है हम आंसर करते नहीं लगते हैं यार, आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, तो देख लिया करो वो प्राइम नंबर भी हो सकता है। और अगर ये क्वेश्चन यस से होता तो यहां पे 9 आएगा ही आएगा ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं बोल सकते अपने, क्योंकि ब्लैंक में कुछ तो भरना पड़ेगा। उसके बाद उसमें कितना आएगा, मैंने गलत भर दिया क्या? किसमें 15, यहां पे 17 आएगा। हाँ ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। ड्राइंग इन्फ्रेंस में किसी सेलिब्रिटी के बारे में लिखा होगा, आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है। मतलब कोई भी इन्फ्रेंस हो सकता है, किसी की फीलिंग के बारे में लिखा होगा, उस फीलिंग के बारे में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना है। 17 से 18 उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में ठीक है, +1 -1, चेंज इन प्लेस, सेंटेंस के 2 क्वेश्चन, सेंटेंस भी 2 टाइप है, सिंपल कोड है। हाँ रिवर्स कोडिंग ध्यान रखना, रिवर्स कोडिंग ध्यान रखना, रिवर्स कोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि लिखना अलाउड नहीं है। ए का रिवर्स क्या होता है, तो कुछ पॉइंट कुछ चीज़ें रिकॉग्नाइज करना, सारी चीजें नहीं कर सकते। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, तो स्टार्टिंग वाले कर सकते हो। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, लास्ट के कर सकते हो। हर चीज का रिकॉग्नाइज करने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऑप्शन वैसे सोल्व करना जैसे मैंने बताया, 1-2 डिजिट सोल्व करके देख लेना है ना। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा होता है, देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसमें भी कई बार आप लोग ये सोच लेते हो कि पोजीशन का टोटल कर रखा है, जबकि ये पोजीशन का टोटल नहीं होता, ये स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। तो देख लेना जब 36, 49, 81, 25
इस टाइप के डिजिट लिखे हो तो पोजिशन का टोटल नहीं है, बट एग्जामिनर कंफ्यूज भी कर सकता है, ऐसा ही टोटल कर दे कहीं उसका टोटल ही 16 हो, 25 हो, कुछ वर्ड ऐसे दे दे, तो देख लेना पोजिशन का भी हो सकता है और स्क्वायर या क्यूब भी हो सकता है, ठीक है, वो वहां करके देखना पड़ेगा आपको। इसका बताओ इसका क्या कोड आएगा, कहता है ए का कोड 1 है, बी का कोड 2 है, तो एफ का क्या 6, 1, 3 और 5। ये रिवर्स कोडिंग है, देखो जेड वाई एक्स और डब्ल्यू, जेड के सामने क्या होता है ए, वाई के सामने एक्स, के सामने सी और डब्ल्यू के सामने डी, तो एस टी यू वी, ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, ए बी सी डी तो है ही, ई एफ जी एच, और उससे उसके उधर पीछे चलते जाओ, डब्ल्यू के बाद में क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, इस टाइप से। उसके बाद आया कॉज एंड इफेक्ट, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दोनों ही क्या है, इफेक्ट है। सिटीजन ग्रुप इन द लोकेलिटी हैव स्टार्टेड नाइट विजिल इन द एरिया, इफेक्ट है। इसका कारण क्या है और इसका कारण क्या है, पुलिस अथॉरिटी रिसेंटली कॉट ए ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर, जो घरों के ताले तोड़ते हैं, ठीक है, इफेक्ट है। इनका कारण क्या है, हाउस ब्रेकिंग करना, और सिटीजन ग्रुप इन द लोकेलिटी हैव स्टार्टेड नाइट विजिल इन द एरिया, इसका अलग रीजन है, क्योंकि अगर हाउस ब्रेकिंग हो रही है तो पुलिस लोगों को क्यों घूमने देगी रात को, लोगों को क्यों घूमने देगी, वो तो एक तरह से पुलिस अगर विजिट कर रही है, पुलिस अगर घूम रही है तो लोगों को घूमना अलाउड नहीं होगा रात को, पुलिस को क्या पता वो वहां का सिटीजन है या कुछ और है, तो दोनों के रीजन अलग अलग है। ये वाला बताना, बी होगा ना, सेकेंड कॉज है, फर्स्ट इफेक्ट है। कहते हैं गर्मी बहुत बड़ी, देर इज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर, देयर बाई डैमेजिंग, है ना, फसल खराब हो गई, जिसकी वजह से प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, सेकेंड कोज है। यहां 100 लगाओ और फिर पढ़ो, तो कोज एंड इफेक्ट भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ, एट नाइन टेन तीनों के आंसर बताओ। 10 का नवंबर है, याद होगा, है ना, मार्च और नवंबर सेम कैलेंडर है, याद रखना मार्च और नवंबर सेम होता है, जनवरी अगर नॉन लीप ईयर है तो जनवरी और अक्टूबर, और अगर लीप ईयर है अप्रैल, और अप्रैल और जुलाई। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ, कर लिया,
25 मई के बाद मई महीने में कितने दिन बचे? 6 दिन बचे हैं। जून में 2, जुलाई में 13, तो 6, 14, 0 मंडे। समझ के देखो एक बार, सही करा है ना? 25 मई में 6, जून में 2, जुलाई में 6, 14 का मतलब 0, 0 का मतलब मंडे। क्वेश्चन नंबर 8, बी, ठीक है। नॉन लीप ईयर में कितना करना है? प्लस 6 करना है सेंचुरी के केस में। ।2012 में अगर 1 जनवरी को संडे है तो देन विच डे इज द इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस डे ऑफ द सेम ईयर? मतलब कहने का सारा है, 1 जनवरी को अगर संडे है तो 15 अगस्त को क्या दिन होगा बताओ? जनवरी, 1 जनवरी के बाद 30 दिन बच गए। 30 दिन का मतलब 2 दिन। फरवरी में 1, क्योंकि 2012 लीप ईयर है। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, 15 अगस्त 1। 2, 1, 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 1, 17। 17 का मतलब 3 का मतलब वेडनेसडे। 3 का मतलब वेडनेसडे नहीं, संडे प्लस 3 वेडनेसडे। हाँ, वैसे भी 3 का मतलब वेडनेसडे ही होता है ना। हाँ, 6 का आंसर बताओ। 24, 100 साल है। 100 साल में लीप ईयर कितने? 24। अगले वाला कल कराई था, 60 कितना? 80। अगला वाला बताओ, 3 और 4। ये 28 डिग्री है, ये 28 डिग्री है। 3 और 4 नंबर बताओ। मिनट हैंड जितने मिनट में जितने डिग्री का एंगल बनाएगा, मिनट हैंड आर हैंड निकालने के लिए उसका 12 से डिवाइड कर देना। आर हैंड का अगर एंगल दे रखा है और मिनट का निकालना तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे आर हैंड का मूव दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर देना मिनट हैंड निकालने के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर, कर लिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये डिग्री है, ये डिग्री है। कितना? 15 डिग्री।
कि वैसे 0 डिग्री टिक कर देता, वैसे क्या कहते हैं 30 × 6 = 180, 6 × 30 = 180। जबकि 30 मिनट के अंदर भी तो घंटे की सुई एंगल बनाएगी ना, तो घंटे की सुई ने 6.5 घंटे है, 6.5 घंटे, तो 6 घंटे में 6 × 30 = 180 और 30 मिनट में आधा 15, तो 180 और 15 195 डिग्री का एंगल घंटे की सुई ने बनाया, मिनट की सुई ने 30 × 6 = 180 डिग्री का एंगल बनाया, दोनों के बीच में 15 डिग्री का एंगल बना। एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, सेकेंड क्वेश्चन। निकाल लिया, कुछ सेकंड तो आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ ही नहीं आएंगे, करके देखा, डी है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 का आंसर। हाँ, हाँ, 400 साल, 400 सालों में ओड डेज जीरो, 400 साल हुए हैं, 400 सालों में ओड डेज जीरो, ठीक है, तो जीरो है तो सेम डे होगा उस टाइम, और ये मैंने बता ही रखा आपको, 4497। ठीक है, ये था आपका रीजनिंग का पार्ट, सारा आता है ना, भूलोगे नहीं एग्जाम में। मैंने आपको टेस्ट पेपर, मैंने भेज दिया आपको, अच्छे से तैयारी करना, ठीक है, मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट के दिन पता लग जाएगा, बिल्कुल मॉक टेस्ट वैसे ही करना जैसे एग्जाम करने वाले हो, ये नहीं मॉक टेस्ट को मजाक में मत लेना, मॉक टेस्ट के दिन कहीं मजाक में कर रहे हो, और घर वालों को बोल के रखना कि हाँ बीच में डिस्टर्ब ना करें, है ना, जरा से सावधानी हटी और गड़बड़ हो जाएगी।